नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें उनकी मांग है कि कर्मचारियों को राज्य शासन का कर्मचारी नियुक्त किया जाए, उनके वेतन भत्ते पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस मॉडल एक्ट के लागू होने से तुलावटी हम्मार और किसानों का शोषण होगा। मंडी के बाहर कोई भी व्यापारी बिना लाइसेंस के कृषि उपज कर क्रय और विक्रय कर सकता है, जिससे मंडी का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। अतः इस आदेश को वापस लिया जाए। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। क्या मंडी कर्मचारी महासंघ जिला इकाई धार का अध्यक्ष हूँ मैं, और हमारी मांगे शासन प्रशासन से यही है कि जो मॉडल एक्ट आया है मध्य प्रदेश में, उसके कोई हमें आज दिन तक कोई राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया ना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया, उसमें असमंजस स्थिति ये बन रही है कि व्यापारी बिना एक पैन कार्ड धारक व्यापारी मंडी के बाहर माल खरीद सकता है, और उसकी कोई गाइडलाइन नहीं, उसका कोई नियंत्रण नहीं किसी कर्मचारी का कि मतलब कि उसको कोई रोक सके या फिर उसको किस प्रकार का कोई कार्रवाई कर सके। उनको फ्री हैंड कर दिया ताकि वो अपना माल कहीं से भी किसान के खेत से उनके गोडाउन से खरीद सकता है, और उसके पेमेंट किसान की कोई गारंटी कि वो पेमेंट कब देगा, और उसकी सुनिश्चित नहीं है कि न उसका किसी पर नियंत्रण किसी प्रकार का। इसलिए हम सभी सामूहिक रूप से आज पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों में हर जिला स्तर पर मंडी समिति और मंडी बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया जा रहा है कि हमें इस व्यक्ति का विरोध हमें नहीं कर पा रहे, बाकी हमका हमारा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं किसान के हित में ये जो एक्ट है ये नहीं है, और इसमें जैसे मंडी के एक्ट में जो प्रावधान किया गया इनमें से जब माल मंडी के अंदर नहीं आएगा तो टैक्स भी नहीं आएगा, इससे आय भी नहीं होगी, इनकम भी नहीं होगी, तो मंडी का जो कर्मचारी अधिकारी उनको वेतन पेंशन भत्ते बिल्कुल नहीं मिलने वाले, आज नहीं एक साल बाद इसको पूरा खत्म हो जाएगी मंडियाँ, तो कहीं ना कहीं किसानों के हितों का नहीं है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपका तो हमारा आगामी महासंघ जो मोर्चा है हमारा भोपाल का, उनके निर्देशन में 21 तारीख को विधानसभा घेराव का प्रस्तावित है, वहाँ से जो भी दिशा निर्देश मिले हम उसका पालन करेंगे। आपका नाम है? भांगीलाल पटेल, सहायक निरीक्षक पद्मावत। श्याम भड़गोता, जो मंडी में मामला आया है मॉडल एक्ट, इससे हम सहमत नहीं हैं, पर मंडी हम जो माल बेचते हैं उसमें पेमेंट मंडी अथवा दिलाती है, और अगर ये लागू हो जाएगा तो किसानों को पेमेंट देने में दिक्कत आएगी, भाव का भी नुकसान होगा, और एक प्राइवेट जो प्राइवेट खरीदारी होगी उसमें ये लोग अपनी मनमानी करेंगे। जब हम माल बेचते हैं मंडी में तो किसान ये नहीं देखता कि व्यापारी कौन है, वो सिर्फ मंडी के विश्वास में माल बेचना चाहता है, और उसकी जवाबदारी मंडी की रहती है। कृषि उपज मंडी धार की ओर से मैं सुनील अग्रवाल, हम यहाँ मॉडल एक्ट का विरोध करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और शासन ने बिना किसी तैयारी के इतने लोगों को लाखों लोगों को बेरोजगार करने का जो एक कदम उठाया है, उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।